चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री विजिट में लापरवाही पड़ी भारी। कामा सीओ विजय कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। गंगापुर सिटी में सीएम विजिट के दौरान बढ़ती थी लापरवाही, जिसके चलते आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर एक्शन हुआ है और निलंबित कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर यह बड़ा एक्शन हुआ, डीजीपी उमेश मिश्रा ने निलंबित किया है। तो कामा सीओ विजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है। जब सीएम गंगापुर सिटी के दौरे पर थे, जब लापरवाही देखी गई थी और उसी को लेकर डीजीपी उमेश मिश्रा ने निलंबित किया है सीओ विजय को। तो सीएम विजिट में ये लापरवाही देखी गई, बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जब गंगापुर सिटी के दौरे पर थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो ये बड़ा एक्शन हुआ है। तो डीजीपी उमेश मिश्रा ने निलंबित किया है सीएम विजिट की, ये पूरी मामला बताया जा रहा है। कामा सीओ विजय को निलंबित किया गया है गंगापुर सिटी के दौरे पर, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, जब ये लापरवाही देखी गई और उसी पे ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो सीएम विजिट की का ये पूरा मामला, जहां पर बड़ा एक्शन लिया गया गंगापुर सिटी में, सीएम विजिट के दौरान लापरवाही बरती गई थी और उसी को लेकर अब कामा सीओ विजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, गंगापुर सिटी में सीएम विजिट के दौरान बढ़ती थी लापरवाही, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर ये लापरवाही बढ़ती गई, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से देखा जाए, जब भी दौरे पर मुख्यमंत्री रहते हैं तो चाक चौबंद व्यवस्था होती है, लेकिन इस बार गंगापुर सिटी जब मुख्यमंत्री पहुंचे, राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। राकेश, बड़ा एक्शन हुआ है ये कामा सीओ पे। बिल्कुल, सीएम का विजिट था, विजिट के दौरान लापरवाही बरतना जो कामा सीओ उनको भारी पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से संज्ञान लिया डीजीपी उमेश मिश्रा ने, वो सही रूप से कहा जाए तो जब सीएम कहीं भी विजिट करते हैं तो पुलिस की जिम्मेदारी रहती है कानून व्यवस्था और सीएम की सिक्योरिटी में कोई खलल ना हो, और जैसे ही चूक हुई वैसे ही पुलिस मुख्यालय ने एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद निलंबित किया है। फिलहाल जो कामा सीओ है उनका मुख्यालय पीएचक्यू रहेगा, वो पीएचक्यू में अपनी सेवाएं देंगे। जी अब बिल्कुल राकेश, देखिए जब भी मुख्यमंत्री दौरे पर रहते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम होते हैं, लेकिन इस बार ये लापरवाही देखी, ये बहुत बड़ा मामला है और एक्शन तो डीजीपी ने कर ही दिया है। बिल्कुल, इस तरह से लापरवाही जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं जो तैनात पुलिस अधिकारी रहते हैं उन पे गार्ड गिरना स्वाभाविक है, क्योंकि सीएम का दौरा था और सीएम के जो दौरे के दौरान ये लापरवाही बरती गई है, इसलिए पुलिस मुख्यालय ने एक्शन लिया है और कामा सीओ को निलंबित किया है।